हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बेबी हग के वॉकर कम रॉकर के बारे में बताऊंगी। इसको अनबॉक्सिंग और इसके लेवल एडजस्टमेंट्स अलोंग विद इसकी एक्टिविटी, मैं इसको आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगी। तो इसके पूरा इसकी बारे में पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को एंड तक देखें। इसकी MRP 4795 है, पर मुझे डिस्काउंट में 3650 का पड़ा। इसके बारे में कंपनी ने 6 to 15 मंथ्स के लिए इसको यूज़ करने के लिए बोला है, और वेट अप टू 15 kg ये ले सकता है। इसमें दो लेवल एडजस्टमेंट हैं, तो चलिए हम देखते हैं पहला लेवल। ये हमारा पहला लेवल है। अब हमारा दूसरा लेवल आप देख सकते हैं, दूसरा लेवल एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग इसको। स्विच को प्रेस करेंगे, उसके बाद ही ऊपर वाले लेवल पे आ गया है। फीडिंग चेयर की वो बता दी। सबसे पहले आप इसमें म्यूजिकल ट्रे भी देख सकते हैं। ये बच्चा जब तक चलता नहीं है तब तक के आराम से बच्चा इसमें एंजॉय कर सकता है। ये फ्लावर है क्यूट सा, ये प्यारी सी बी है, और ये रैटल की तरह बजते हैं ये दोनों। ये अर्थवॉर्म है, आप देख सकते हैं इससे बच्चा खेल सकता है। कलरफुल है, कितना प्यारा है। सबसे खास बात, ये सेपरेट हो जाता है ताकि हमें एक फीडिंग ट्रे मिलती है जिसमें ग्लास का ग्लास रैक बनी हुई है, खाने के लिए बना हुआ है। तो अराउंड 1 to 1.5 to 2 ईयर्स तक बच्चा इसमें बैठ के खा भी सकता है। इसकी सीट कुशनिंग अच्छी है, मैंने और भी वैरायटी देखी थी बट मुझे इसकी कुशनिंग बेटर लगी। लव लैब की भी देखी थी मैंने बट हाँ कुशनिंग मुझे इसकी बेटर लगी, तो मैंने इसी को खरीदा है। कलर ये पैरेट ग्रीन विद वाइट है, और भी कलर ऑप्शंस अवेलेबल है बट मुझे ये कलर ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा। इसके व्हील अच्छे हैं, इसमें ये व्हील्स हैं जो 360 डिग्री पे घूमते हैं। टोटल 6 व्हील्स हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसे रॉकर फॉर्म में करके दिखाते हैं। इसके लिए आपको वो प्रेस करके, नीचे एक रेड बटन होगी साइड में, प्रेस करके आपको ये व्हाइट एरिया स्लाइड करना है। आप इसको स्लाइड कर सकते हैं। उसके बाद साइड में ये रेड लॉक है पीछे की तरफ, इसे आपको अनलॉक करना है। और ये देखिए व्हील्स अंदर की तरफ हो जाएंगी, ऐसा सेम हम दूसरी तरफ भी करेंगे। और ये देखिए ये रॉकर बन गया। इसमें ये स्लीक सी मैट भी है, कुशन्ड है, जब तक बच्चे का पैर नीचे नहीं पहुंचता इसमें आराम से वो बैठ के अपना पैर रख के रॉक कर सकता है। अब हम आपको दिखाएंगे कि चेयर नीचे कैसे होती है। नीचे वाली स्विच प्रेस करें और इसे नीचे की तरफ पुश करें, तो इस तरह इसका लेवल नीचे होता है। हम एक लेवल और डाउन कर सकते हैं इसे। फाइनली इसको एकदम डाउन भी कर सकते हैं। तो ये है हमारा बेबी हग का वॉकर कम रॉकर। मुझे ये पर्टिकुलरली अभी अच्छा लग रहा है। देखते हैं हमारा बेबी को ये पसंद आता है ही नहीं आता। आपको ये रिव्यू कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और भी अच्छे अपने आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर सकूँ। बाय बाय फ्रेंड।